19वीं सेंचुरी के शुरुआत में एक डाइनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टन ओरस्टेड ने अपने लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन के दौरान यह पाया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। इसके बाद लोग ये सोचने लगे कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या एक मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। यहां पर पिक्चर में आते हैं एक बहुत ही फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। उन्होंने 1831 में यह दिखा दिया कि जब हम एक क्वाइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो फिर उस क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिससे कि उसमें एक करंट का फ्लो होता है। इस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडे ने उस समय यह एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था। उनके इस ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट ने जो है उस समय साइंटिफिक वर्ल्ड में एक नया रिवॉल्यूशन ला दिया था और हम मानव के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आज के दौर में जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, वो इन्हीं के प्रिंसिपल पर काम करता है। सो इस लिहाज से आज का ये जो टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैराडे के कुल दो लॉ हैं। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट लॉ पे बात करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके सेकेंड लॉ पे बात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जब हम एक कंडक्टर से या एक क्वाइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फिर उसमें एक ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड होता है, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें तभी तक रहता है जब तक कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद कर देंगे तो फिर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो गायब हो जाता है, दैट मीन वो जीरो हो जाता है। तो इसे समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक मैग्नेट हो गया और हमें पता है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो है फील्ड लाइन बाहर निकलता है और ये कुछ ऐसे जाकर के फिर से ये साउथ पोल में ये समा जाता है। तो यहां पर ये कुछ हमने फील्ड लाइन बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम यहां पर एक सर्कुलर कॉइल रख देंगे। तो चलिए यहां पर हम एक कॉइल रख देते हैं, एक हम यहां पर सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे। ये हमने मान लिया कि ये एक सर्कुलर कॉइल है। अब यहां पर इसमें से देखें फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे कि यहां पर जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस कॉइल से लिंक जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना हुआ है। यहां पर अगर ऐसे ही रखते हैं आप तो फिर इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, भले ही इससे एसोसिएटेड जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है लेकिन कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर हम जो है इस कॉइल को जो है इस डायरेक्शन में आगे की तरफ ऐसे ले जाते हैं तो देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब इसमें से देखें ज्यादा से ज्यादा जो है फील्ड लाइन इसको क्रॉस करते हुए बाहर निकल रहा है। तो जब इसमें से ज्यादा फील्ड लाइन बाहर निकलेगा क्रॉस करते हुए तो हम कहेंगे कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हुआ। तो जब हम यहां से यहां तक ला रहे हैं तो यहां पर देखें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, दैट मीन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, और जैसे ही यहां पर चेंज होता है वैसे ही हमें इसमें दिखता है एक करंट का फ्लो, दैट मीन इसमें जो है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जिससे कि यहां पर एक करंट का फ्लो होता है जिसे कि हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अगर फिर से हम इसे दूर ले जाते हैं, अगर हम इस कॉइल को दूर ले जाते हैं तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, बढ़े मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे घटे लेकिन चेंज तो होगा ही मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब हम दूर ले जाएंगे तब भी हमें दिखेगा इसमें एक करंट का फ्लो। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि अगर जो है हम किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर हम इसे जो है ऐसे ही रखेंगे तो इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, दैट मीन कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। मतलब कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं करेंगे तो फिर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं बनेगा, और यहां पर ये जो करंट का फ्लो होगा इस कॉइल में उसका डायरेक्शन ये होगा या फिर इसका डायरेक्शन जो है ये होगा, ये फैराडे का लॉ नहीं बताता है। ये हम आगे चल के देखेंगे जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा या फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इसमें जो ईएमएफ बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब यहां पर जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है
उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी फैराडे का फर्स्ट लॉ नहीं बताता है, उसे बताता है फैराडे का ये सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो यहां पर इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस रेट से चेंज कर रहा है। अगर तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर इसमें जो है उतना ज्यादा जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा। तो अभी हमने मान लिया कि इस क्वाइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है यहां पर फाइव वन, और हमारे घड़ी में जो टाइम हो रहा है ये टाइम दिखा रहा है टी वन। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम इससे लिंक ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इस क्वाइल को जो है मैग्नेट की तरफ इस डायरेक्शन में ले जाना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैग्नेट को जो है इस क्वाइल की तरफ इस डायरेक्शन में लाते हैं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फिलहाल तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, तो अभी मैं क्वाइल को जो है इस मैग्नेट की तरफ ले जाऊंगा। तो यहां पर जो है हमने इसे कुछ ऐसे यहां से यहां तक लाया, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो अभी मान लेते हैं कि जो घड़ी में हमारे टाइम दिखा रहा है इस समय, ये घड़ी में दिखा रहा है टाइम टी टू, और यहां पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस जगह पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है यहां पर फाइव टू, तो ऑब्वियसली ये जो फाइव टू है ये फाइव वन से बड़ा होगा। तो अब जब हम इस क्वाइल को यहां से यहां तक लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस रेट से चेंज हुआ। तो अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फाइव टू माइनस फाइव वन इतना चेंज हुआ, और चेंज इन टाइम क्या होगा, यह होगा टी टू माइनस टी वन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है, चलिए इसे हम यहां पर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाइव टू माइनस फाइव वन के। सो फाइव टू माइनस फाइव वन ये हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज होगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम क्या होगा, यह होगा टी टू माइनस टी वन, ये हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये ईएमएफ जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया, हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को चलिए डिनोट करते हैं डेल्टा फाई से, और चेंज इन टाइम को डिनोट करेंगे हम डेल्टा टी से। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो ई है ये बराबर होगा, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके यहां पर जो है एक इक्वलिटी साइन यूज करते हैं तो हमें यहां पर एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा, तो चलिए उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। फिर यहां पर हो गया डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। तो अब एसआई यूनिट में ये जो के का वैल्यू होता है, इन एसआई यूनिट में ये जो के है इस के का वैल्यू होता है वन, तो फिर यहां से ये जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखें ये बराबर हो जाएगा K की जगह पर तो वन रख देंगे, तो ये हो गया डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पर ये जो है ये एवरेज ईएमएफ होता है। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस जो ईएमएफ है, तो उसके लिए हमें इसे जो है डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, तो फिर यहां पर ये जो ई होता है, ये जो ई होता है ये बराबर होता है डी फाई बाय dt के। तो यहां पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका ये मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखें, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड को बताता है। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, उसे हम बताने के लिए यूज करते हैं लेंज लॉ। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये अपोजिंग नेचर का होता है, तो इसलिए यहां पर एक निगेटिव साइन आ जाता है। तो फिर यहां पर ये जो ईएमएफ होता है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये बराबर हो जाता है माइनस डी फाई बाई डीटी के। तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन को भी बताता है। तो हम
लेंजला पे अगले वीडियो में बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।